जितना ज्यादा डिफरेंस होगा TR और TC के बीच में, TR माइनस TC, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट करी थी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग माइक्रो के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पहले एनालाइज कर रहे थे, तो आज इसका थर्ड पार्ट है। हम लोग पहले दो पार्ट में ऑलरेडी पास्ट ईयर के टू क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो आज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द ईयर 2015 और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन शॉर्ट रन फाइंड आउट ग्राफिकली विदाउट यूजिंग एवरेज कॉस्ट कर्व। हमें एवरेज कॉस्ट कर्व यूज नहीं करना है और ग्राफिकली हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन दिखानी है, नॉर्मल प्रॉफिट, सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस के केस। सो अगर मैं कर्व बनाऊं, ठीक है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। तो जनरल सिनेरियो में हमें मालूम है, हम यहाँ पे प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, और हमारा कर्व कैसा होता है, ये हमारा एक कर्व हो गया, दिस इज ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, राइट, एंड दिस इज आर एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। बोलिए, ये क्वांटिटी होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम अचीव करने की अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? सो द कंडीशन टू अचीव इक्विलिब्रियम इज कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया जो कि प्राइस के इक्विवेलेंट है, और यही एवरेज रेवेन्यू भी है। दूसरी चीज हमें मालूम है, ये जो एवरेज रेवेन्यू होता है ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें बहुत एविडेंट होती हैं हमें जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल प्रॉफिट की बात है, ठीक है। जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तब आपका एवरेज रेवेन्यू, सो मैं लिख देता हूं, अंडर योर नॉर्मल प्रॉफिट व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मल प्रॉफिट के अंडर आपका एंड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का सिनेरियो है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आपका एवरेज रेवेन्यू, देखिए एवरेज रेवेन्यू is equal to average cost, जो manufacturing की cost आ रही है और जो आपका revenue है, दोनों equal हो जाएंगे, right? Generally, देख लीजिए आप यहाँ पे observe कर सकते हैं। अगर आप super normal profit की बात करें, under the case of super normal profit, तो आपका revenue exceed कर जाएगा cost, right? So your AR will be greater than AC, average revenue will be greater than average cost, ठीक है? और उसको भी हम plot कर सकते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, AR curve upward shift कर जाता है। जब AR curve upward shift कर जाएगा तो आपका जो price है जिसपे आप sell कर रहे हो वो भी upward shift कर जाएगा, yes or no, because average revenue is equal to price, ठीक है। और quantity produce हमें कैसे मिलता है, MC equals to MR पे, ठीक है, MC equals to MR पे, और जब average cost का intersection हो जाएगा वहाँ पे, तो हमें cost of manufacturing मिल जाएगी, है ना? यानी कि cost of manufacturing काफी कम हो गई और average revenue काफी ज़्यादा हो गया। जब ऐसा हुआ तो super normal profit हो जाता है, right or wrong? See, मतलब अगर आप चाहें तो मैं इसको दिखा भी सकता हूँ super normal profit की condition। ये देखिए, ये आपने normal profit देख ही लिया, अब जरा super normal profit भी देख लीजिए। जनरल सिनेरियो में बात कर रहा हूं, फिर आई रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में अगर ये आपका ए
AR है, which is equal to MR, which is price, in case of perfect competition, ठीक है? तो ये आपका marginal cost curve है, और marginal cost curve should intersect, marginal cost curve आपका intersect करेगा MC और MR आपके equal होने चाहिए। तो देखिए, जिस पॉइंट पे आपका MC और MR इक्वल हो जाता है, वहां पर आप क्वांटिटी ऑब्टेन कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है? और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के करस्पोंडिंग आप एवरेज रेवेन्यू कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है ना? यानी अगर आप यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व निकालें, तो देखिए ये आपका एवरेज कॉस्ट ऐसे बना लेते हैं, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। So this means this is the cost of manufacturing. इस price पे manufacture हो रहा है और इस P price पे sell हो रहा है। P1 पे manufacture हो रहा है, cost बहुत कम है, और T पे sell हो रहा है। यानी ये पूरा आपका क्या हो गया? This is your super normal profit. This is super normal. और वहीं पे अगर आप third condition loss की बात करते हैं, तो आपका average revenue नीचे आ जाता है, average cost curve ऊपर shift हो जाता है, यानी price of manufacturing का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपकी काफी हाई है और एवरेज रेवेन्यू कम है, ठीक है? ये थर्ड कंडीशन हो गई जिसको आप लॉस बोलते हैं। यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू बिकम्स लेस देन एवरेज कॉस्ट। देख लीजिए, यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू वाज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व था, ठीक है? और इस केस में एवरेज रेवेन्यू आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट ऊपर रहेगी, तो ये आपका प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा P1, और मान लीजिए P डैश है, ये आपका रेवेन्यू। समझ रहे हैं बात? ओके, लेकिन ये सब तो नॉर्मल कंडीशंस में बात हो रही थी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जो हमसे पूछा गया है कि आप एवरेज कॉस्ट कर्व को नहीं ले सकते। फ्रॉम हियर वी अंडरस्टैंड कि एवरेज कॉस्ट कर्व बहुत एसेंशियल है डिराइव करने के लिए लॉस प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉसेस को सब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एनीवे, एवरेज कॉस्ट कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिक्विजिट। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप एवरेज कॉस्ट कर्व को कंसीडर ही ना करिए। चलिए, और फिर आप कंडीशन बताइए कि कैसे एक फर्म लॉस या प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकती है, बोलिए, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं, तो जनरली प्रॉफिट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, AR माइनस AC, राइट? और कितनी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल आता है, जो एरिया शेडेड था, राइट? शेडेड में वही तो होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ आप कर रहे होते हैं ना, एरिया निकाल रहे होते हैं, वही मैंने किया। खैर, अब जरा Q को अंदर मल्टीप्लाई करिए, सो एवरेज रेवेन्यू इनटू Q माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू Q, दैट्स व्हाट यू विल गेट। ये एवरेज रेवेन्यू इनटू Q इनटू क्वांटिटी आपको क्या दे देगा? ये आपको टोटल रेवेन्यू नहीं दे देगा, जितनी क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी से जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड मिल जाएगा। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। और जो एवरेज कॉस्ट है, उस गुड को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट है, उससे अगर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जितने गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए, उन तो सारे गुड्स की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। सो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। यानी कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट प्रॉफिट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है ना? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में इसको ग्राफिकली दिखाने की बात कर रहा है, तो जरा समझिएगा, अगर मैं ग्राफिकल एनालिसिस में आऊं और मैं आपसे कहूं कि मुझे एक बात बताइए, हमारा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम होएगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा गैप होगा TR और TC के बीच में, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा TR और TC के बीच में, TR माइनस TC, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, यस और नो? सो ग्रेटर द गैप बिटवीन TR एंड TC, ग्रेटर विल बी द प्रॉफिट, हायर विल बी द प्रॉफिट,
So greater the gap, higher or maximum is the profit. बोलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी पॉइंट बात को हम यूज करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाने के लिए। क्लियर? अब एक काम करते हैं, क्योंकि हम एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं यूज कर सकते हैं, तो हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को यूज करना पड़ेगा अपना नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस को एग्जिबिट करने के लिए। ठीक है ना, चलिए इसका कर्व बनाते हैं। यहां पे ऑब्वियसली हमने क्वांटिटी ले ली, यहां पे हमारा टोटल कॉस्ट ऑब्लिक टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट। ओके, अब जरा समझिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले टोटल कॉस्ट कर्व, तो टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होगा जरा समझिए। भले मान लीजिए कोई बेकर है, वो ब्रेड्स मैन्युफैक्चर करता है, तो भले ही उसने अभी प्रोडक्शन ना स्टार्ट किया हो, फिर भी उसको एक कॉस्ट देनी पड़ेगी, कुछ खर्चा उठाना पड़ेगा। जैसे उसकी बेकरी, जहां पे उसने बेकरी बना रखी है, उस जगह को उसे रेंट देना पड़ेगा, उसने कुछ बैंक से लोन लिया होगा कैपिटल, उसका उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भले ही वो कुछ भी ना करे, नो प्रोडक्शन, तब भी उसे कुछ कॉस्ट उठानी पड़ेगी। इसका मतलब जो मेरा टोटल कॉस्ट कर्व है वो वाई एक्सिस में कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। बोलिए बोलिए, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये मेरा टोटल कॉस्ट कर्व आ गया, राइट और रॉन्ग। और रेवेन्यू कब जनरेट होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा जीरो से। अगर आप कोई गुड नहीं बना रहे, इस पॉइंट को देखिए, करस्पॉन्डिंग टू टोटल कॉस्ट आपका रेवेन्यू जीरो है। ये टोटल कॉस्ट का पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम पे आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया। जब प्रोडक्शन नहीं किया तो आपने कोई गुड सेल नहीं किया, सेल नहीं किया तो रेवेन्यू कहां से आया? तो ये तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा टोटल रेवेन्यू का, कुछ इस तरीके से। यस और नो? और जैसे ऐसे आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, बढ़ता चला जाएगा आपका रेवेन्यू। बोलिए, ये आपका टोटल रेवेन्यू कर्व हो गया। ठीक है, यहां पर आप दो पॉइंट्स देख सकते हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पे मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व टोटल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। इनको मैं कुछ भी नाम दे दूं, एस और के दे देता हूं। चलिए, ये पॉइंट्स मुझे क्या बता रहे हैं? ये पॉइंट्स ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। एस एंड के आर ब्रेक इवन पॉइंट्स। क्यों है ब्रेक इवन पॉइंट्स? क्योंकि यहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल है, राइट? हियर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। समझ पा रहे हैं? Getting my point? Okay? S and K are my break-even points. ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रॉफिट, तो अंडर नॉर्मल प्रॉफिट आपका टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल आ जाएंगे, यस और नो? टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल, यानी कि एस और के पे यहां पर हमें मिल रहा है अपना नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू यहां पर इक्वल है। ओके, अगर मैं बात करूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, सो अंडर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट योर टोटल रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो अब कर्व देखिए, कहां पर टोटल रेवेन्यू ग्रेटर है आपके टोटल कॉस्ट से? तो ये देखिए, ये पोर्शन बिटवीन एस एंड के, बिटवीन एस एंड के, ये आपका मैं शेड करे दे रहा हूं, दिस इज द पोर्शन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, ये एस एंड प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे प्लॉट करूं कर्व में, तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे आ रहा है। ठीक, अब आप इस सेकंड कर्व को ध्यान से देखिए। ठीक है, इस सेकंड कर्व को ध्यान से देखिए, इस कर्व का नाम टोटल प्रॉफिट कर्व है, क्योंकि सारे एस्पेक्ट दिखा रहा है,
नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अभी लॉस भी दिखाऊंगा। ये टोटल प्रॉफिट कर्व है। इस कर्व में मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम प्रॉफिट कब है? मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जो भी मैंने आपको बताया था, जब गैप मैक्सिमम होगा। सी, ये गैप मैक्सिमम है, राइट? सो हियर गैप इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स आपके नॉर्मल प्रॉफिट के हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, जहां पे टीसी और टीआर इक्वल है। और लॉस कहां पे हो रहा है? लॉस आपका होगा व्हेन टीसी बिकम्स ग्रेटर देन टीआर। कहां पे हो रहा है? देखिए ये वाला जो आपका पोर्शन है, येलो लाइन देखिए ऊपर आ रही है, मैं शेड कर रहा हूं, येलो से कर देता हूं, दिस इज लॉस, राइट? और यहां पर भी देखिए दिस इज लॉस, ये आपके लॉस है, ठीक है? जहां पर हमें लॉस मिल रहा है वहां पे हम इस कर्व को नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, ये लॉस दिखा रहा है, बोलिए, ठीक है? दिस इज योर लॉस, क्लियर हुआ? दिस इज लॉस, दिस इज मैक्सिमम प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू। Thank you.